भारतीय फिल्मों के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का 7 जुलाई की सुबह निधन हो गया। 98 वर्षीय दिलीप कुमार काफी समय से बीमार चल रहे थे। पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों के बीच शोक का माहौल है। उन्होंने न सिर्फ पर्सनल बल्कि अपने फिल्मी करियर में भी काफी कुछ अचीव किया, जिसकी कितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। आइए आज आपको बताते हैं उनके जीवन की कहानी। भारतीय फिल्म जगत के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। दिलीप कुमार अपने समय में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे। फिल्मों में दुखद भूमिकाएं निभाने के लिए दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जाना जाता था। अभिनेता के अलावा दिलीप कुमार राज्यसभा सांसद भी थे। दिलीप कुमार को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा भारत सरकार ने दिलीप कुमार को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए पद्म भूषण पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। इसके अलावा दिलीप कुमार को पाकिस्तान सरकार ने भी पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज से सम्मानित किया है। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था और साल 1930 में दिलीप कुमार का परिवार पेशावर से मुंबई आकर रहने लगा। बता दे कि दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। मुंबई में आकर रहने के दौरान दिलीप कुमार के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिता के व्यापार में लगातार घाटा हो रहा था। ऐसे में परिवार की मदद करने के लिए दिलीप कुमार पुणे में एक कैंटीन में काम करने लगे। यहाँ देविका रानी ने दिलीप कुमार को देखा तो उन्हें फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया। कहा जाता है कि देविका रानी ने ही उनका नाम मोहम्मद यूसुफ खान की जगह दिलीप कुमार रखा था। देविका रानी ने दिलीप कुमार को फिल्म ज्वार भाटा में मुख्य अभिनेता के रूप में लॉन्च किया। हालांकि ये फिल्म सफल साबित नहीं हुई, लेकिन अपनी पहली ही फिल्म से दिलीप कुमार ने दर्शकों के बीच खास छाप छोड़ी। 1947 में आई दिलीप कुमार की फिल्म जुगनू बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। 1949 में फिल्म अंदाज में दिलीप कुमार ने पहली बार राज कपूर के साथ काम किया। ये फिल्म भी बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद दिलीप कुमार ने 1951 में फिल्म दीदार और 1955 में फिल्म देवदास में गंभीर भूमिकाएं निभाई, जिसके कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा। इसके अलावा दिलीप कुमार ने मुगले आजम, क्रांति, विधाता, दुनिया, कर्मा, इज्जतदार और सौदागर जैसी फिल्मों में काम किया। दिलीप कुमार ने आखिरी बार 1998 में फिल्म किला में काम किया था। रिपोर्टेडली दिलीप कुमार का नाम सबसे पहले अभिनेत्री कामिनी कौशल के साथ जोड़ा गया, लेकिन दोनों का यह रिश्ता कुछ समय बाद खत्म हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलीप कुमार को अभिनेत्री मधुबाला से प्यार हो गया था। हालांकि दोनों के परिवारों ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। आखिर में दिलीप कुमार ने अभिनेत्री सायरा बानो से शादी कर ली। शादी के पहले दिलीप कुमार 44 साल और सायरा बानो 22 साल की थी। वेल, आज दिलीप कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। छोड़ गए बस कई यादें जिसे आने वाले कई सालों में लोग याद करेंगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।